नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर कोई कंपनी आपको हर महीने फिक्स रिटर्न देने का दावा कर रही है और वो कंपनी जो आपको फिक्स रिटर्न दे रही है वो अगर कहती है कि हम जो पैसा है वो जनरेट, यानी कि जो मनी जनरेट हम कर रहे हैं वो ट्रेडिंग के थ्रू कर रहे हैं और उसके बाद में वो आपको हर महीने फिक्स रिटर्न दे रही है, दैट कैन बी 5%, 10%, 20% एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ऐसा वो कंपनी बोल रही है तो मैं कहूँगा कि वो कंपनी फेक है, वो कंपनी रियल नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ लफड़ा ज़रूर चल रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आपका कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता किसी भी महीने। कुछ महीने आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हो और कुछ महीने आपके ख़राब भी होते हैं। ट्रेडिंग कोई एक दिन, एक वीक या एक महीने की गेम नहीं है, यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होता है, ठीक है। तो देखो, ट्रेडिंग के अंदर आपके अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बहुत बार आपके लॉसेस लगते हैं तो बहुत बार आपको जितना लॉस लगा है उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो ये एक पार्ट ऑफ गेम है। मैं एक यूट्यूबर हूं और एक नेटवर्कर हूं, उसके साथ साथ मैं एक ट्रेडर भी हूं, तो मैं ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से समझता हूं। तो जब ये प्रोजेक्ट जिसका नाम अनट्रेड है, इसको जब मैंने एकदम करीब से समझा, इसके अंदर पूरी रिसर्च की, तो मैंने यही पाया कि यार काफ़ी टाइम के बाद में इवन आई वुड से कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट जो रियल में मनी जनरेट कर रहा है, रियल में ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो पहली बार आया है मेरी नज़र के सामने। ओके, तो बींग एज ए ट्रेडर मैं ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से समझता हूँ और जब मैंने अनट्रेड को एकदम अच्छे से रिसर्च किया, इसके एक एक चीज़ को जब मैंने गहराई तक जाके समझा, रिसर्च करा, तो मैंने यही पाया कि ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं ये मिस करने वाले प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते। स्पेशली वो लोग जो कि अपने पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आते हो तो कम से कम मेरी ये सजेशन है कि आप इसको एक बार समझने की कोशिश जरूर करना कि ये प्रोजेक्ट है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि अनट्रेड है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखो, अनट्रेड को हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे जिससे कि ये एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। तो देखो, अनट्रेड जो है वो आपको प्रॉफिट देने के लिए आपसे आपके पैसे नहीं लेगा, मतलब यहाँ पे आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा, वो किसी आप थर्ड पार्टी को नहीं देने वाले। आप अनट्रेड को केवल और केवल परमिशन दोगे कि हमारे पैसे पे आप ट्रेड करो, फिर अनट्रेड उस पैसे के ऊपर ट्रेड करेगा और आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। अनट्रेड जो प्लेटफॉर्म है वो केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करता है, और क्रिप्टो के अंदर भी ये सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करता है। क्रिप्टो के अंदर तो आपको पता ही होगा कि 10,000 से क्रिप्टो कॉइन्स हैं, ठीक है, तो हर किसी मतलब बहुत सारी क्रिप्टो तो ऐसी है जो स्कैम है। तो अनट्रेड जो है वो बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करता है, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के ये केवल और केवल बिटकॉइन पे ट्रेड करता है, उसमें भी बहुत कम रिस्क लेता है। लाइक अगर आपको पता ही होगा क्रिप्टो के अंदर लेवरेज होता है 100x तक का, मतलब कि अगर आपके पास 1 रुपये है तो आप उससे 100 गुना बना के उससे ट्रेड कर सकते हो, 100 गुना के हिसाब से लॉस, 100 गुना के हिसाब से प्रॉफिट, तो उसको कहते हैं लेवरेज। तो अनट्रेड जो है वो केवल और केवल 1x, 2x या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3x लेवरेज का ही यूज़ करता है। So, आपका जो पैसा है वो आपके ही बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर रहेगा, या फिर कोई भी आप दूसरा एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपका वो पैसा रहेगा। आप केवल और केवल अनट्रेड को परमिशन दोगे कि आप मेरे एक्सचेंज में जो भी पैसा पड़ा है उसके ऊपर केवल और केवल आप ट्रेड कर सकते हो। आप अनट्रेड को ये परमिशन नहीं दोगे या फिर अनट्रेड के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होगी कि वो आपके पैसे को आपके एक्सचेंज से डिपॉजिट या विड्रॉल कर ले, वो केवल और केवल आपके पैसे के ऊपर ट्रेड कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप रोज़ रात को चैन से सो सकते हो, अगर कंपनी कल ही भागती है तो आपका कुछ नहीं लेके जाएगी, आपका पैसा आप ही के एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, वो आप ही निकाल सकते हो या फिर आप ही उसके अंदर और डाल सकते हो, कंपनी उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। कंपनी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका डिपॉजिट या विड्रॉल कर ले, या कंपनी भागती भी है तो आपका पैसा लेके नहीं भाग पाएगी। सो अब आप सोच रहे होंगे कि यार अनट्रेड के अंदर ट्रेडिंग होती है ये तो मैंने बता दिया, बट ये जो ट्रेडिंग होती है क्या ये मैनुअल ट्रेडिंग होती है या फिर इनका कोई और अलग हिसाब किताब है, कोई अलग सीन है, रोबोट है या फिर क्या चीज़ है? तो देखो मैं बताता हूँ, अनट्रेड ने 400+ क्वांट प्रोफेशनल्स की हेल्प से कुछ एल्गोरिदम्स बनाए और उन एल्गोरिदम्स के हिसाब से ही अनट्रेड में ट्रेडिंग होती है।
इसको थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि क्वांट प्रोफेशनल्स क्या होते हैं। क्वांट प्रोफेशनल्स वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं जो कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन मैथमेटिकल डेटा और स्टैटिस्टिकली जो डेटा होता है उसके बेस के ऊपर लेते हैं कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या होगी। तो ऐसे 400 प्लस क्वांट प्रोफेशनल्स की हेल्प से इन्होंने कुछ एल्गोरिदम से आप ये समझो कि ये काइंड ऑफ कोडिंग या फिर एक प्रकार का ये रोबोट है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ फंक्शन सेट कर दिए हैं कि जब मार्केट में इस हिसाब का बिहेवियर होगा तो ट्रेड हमारी लग जानी चाहिए, ठीक है। तो एक इसको आप एल्गोरिदम बोल सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने 400 प्लस क्वांट प्रोफेशनल्स की हेल्प से ये एल्गोरिदम्स बनाए और उन एल्गोरिदम्स के ऊपर ही ये ट्रेड करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अनट्रेड है क्या, ये काम क्या करता है, ये काम कैसे करता है और ये आपको आपके पैसे के ऊपर किस तरह से प्रॉफिट बना के देता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अनट्रेड ने जो ये एल्गोरिदम्स बनाए हैं, जिन एल्गोरिदम्स के ऊपर अनट्रेड ट्रेड करता है, तो ये कितने ज़्यादा ट्रस्टेड है, इनके ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, क्या इन्होंने इन एल्गोरिदम्स को बनाया और सीधा मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, या फिर इन्होंने इन एल्गोरिदम्स को टेस्ट भी किया है। तो इन एल्गोरिदम्स के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। तो एक बार हम डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि ये एल्गोरिदम्स कितने ज्यादा ट्रस्टेड हैं। तो देखो अनट्रेड के ये जो एल्गोरिदम्स हैं, इनकी आपको मैं पूरी जर्नी बताता हूं कि ये किस हिसाब से बने। तो देखो सबसे पहले इन्होंने इन एल्गोरिदम्स की कोडिंग की, ओके। कोडिंग करने के बाद में इन एल्गोरिदम्स को इन्होंने बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट मतलब कि पास्ट के अंदर जाके पुराने चार्ट्स खोल के इन एल्गोरिदम्स के ऊपर इन्होंने बैक टेस्ट किया कि हमारे एल्गोज हैं वो किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट इन्होंने फ्रंट सिमुलेशन यानी कि लाइव मार्केट में, पिछले जो बैक टेस्टिंग हुई है वो तो हुई है लेकिन आगे फ्रंट रन फॉरवर्ड में क्या होगा, किस हिसाब से एल्गोरिदम्स वर्क करेंगे, उसके ऊपर भी इन्होंने टेस्टिंग की है। और लाइव मार्केट के अंदर इन्होंने $10,000 के फंड के साथ टेस्टिंग की है। उसके बाद में इन एल्गोरिदम्स को इन्होंने जिस हिसाब से बनाया है कि यार इतने बज के इतने मिनट पे ये होना चाहिए, ये एल्गोरिदम्स इस हिसाब से रिएक्ट करें, या फिर एल्गोरिदम्स के अंदर इन्होंने कुछ भी लाइक चीज़ें स्ट्रेटजी बनाई है कि यार इस हिसाब के मार्केट के अंदर हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस हिसाब से बिहेव करने चाहिए। तो क्या उस हिसाब से इन्होंने बिहेव करा, उस हिसाब का इन्होंने रिएक्शन दिया इन एल्गोरिदम्स ने या फिर नहीं दिया। तो जितनी भी कोहेरेंस मैचिंग होती है वो इन एल्गोरिदम्स ने करी है, तब जाके इन्होंने इन्वेस्टर एक्सपोजर यानी इन्वेस्टर के सामने अनट्रेड के इन एल्गोज को लाइव लॉन्च किया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, ये जितने भी एल्गोरिदम्स, इनकी जितनी भी स्ट्रेटजी है उन सब को इन्होंने मतलब अच्छे से अच्छी कंडीशन के अंदर और बुरे से बुरी कंडीशन के अंदर भी इनको टेस्ट करके देखा है। हर तरीके के बिहेवियर, हर तरीके के मार्केट में इन्होंने इन एल्गोरिदम्स को टेस्ट करा, उसके बाद में जाके इन्वेस्टर के सामने इस अनट्रेड के इन एल्गोरिदम्स को इन्होंने लॉन्च किया। तो अनट्रेड की जो टीम है इन्होंने हर प्रकार की कंडीशन के अंदर अपने इन एल्गोज को टेस्ट करके देखा हुआ है, अच्छे से अच्छी कंडीशन में, बुरे से बुरी कंडीशन के अंदर, हर तरीके के मार्केट के बिहेवियर में, बुलिश ट्रेंड में, जो कंसोलिडेशन होता है उसके अंदर, बेरिश ट्रेंड में, हर प्रकार के ट्रेंड के अंदर इन्होंने अपने इन एल्गोरिदम्स को टेस्ट करके देखा है। उसके बाद में ही इन एल्गोज को हमारे सामने एक्सपोज किया या फिर लॉन्च किया है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ इन एल्गोरिदम्स के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। बाकी इनका पास्ट में क्या रिजल्ट रहा है, बैक टेस्टिंग का क्या रिजल्ट है, इन्होंने जो रियल फंड से ट्रेड करके देखा तो इन एल्गोज ने क्या रिजल्ट दिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो अगर आप अनट्रेड के बारे में कहीं और से सुन के इस वीडियो को सर्च करके यहां तक आए हो, इस वीडियो के अंदर देखने समझने अनट्रेड को, तो आप अनट्रेड के बारे में कुछ ना कुछ तो पहले से जरूर जानते होंगे। और आप अनट्रेड के अंदर एंड्योरेंस, बार्स और ओमेगा, इन चीजों को भी आपने सुना होगा और इनको सुन के आप कंफ्यूज भी हुए होंगे कि यार ये है क्या, बार्स, ओमेगा, एंड्योरेंस क्या चीज है ये, थोड़े कंफ्यूज आप हुए होंगे। तो देखो मैं आपकी इस चीज को, इस कंफ्यूजन को सॉल्व करता हूं, इजी लैंग्वेज के अंदर हम समझेंगे, एकदम बिल्कुल भी टैकी नहीं बनेंगे, आसान भाषा के अंदर हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो
ट्रेडिंग के अंदर जितने भी ट्रेडर होते हैं सब एक अलग अलग स्ट्रेटजी के ऊपर, यानी उनका जो ट्रेड करने का तरीका होता है उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। तो सबकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। कोई स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, तो कोई स्ट्रेटजी ऐसी होती है जो कि कम एक्यूरेट होती है, कोई स्ट्रेटजी होती है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है तो उसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो कोई स्ट्रेटजी ऐसी होती है जिसके अंदर कम प्रॉफिट होता है तो कम रिस्क होता है। तो ये जो ट्रेड करने का तरीका है इसको स्ट्रेटजी कहते हैं। तो ये जो आपने नाम सुने हैं ना, एंड्योरेंस, बार्स और ओमेगा, ये अनट्रेड की तीन टाइप की स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिनके नाम अभी मैंने आपको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, एंड्योरेंस, बार्स और ओमेगा। ओमेगा जो तीसरी स्ट्रेटजी है ये इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस कराई है, तो इन स्ट्रेटजी के अनट्रेड ने ये नाम रखे हुए हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो तीन टाइप की स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई हुई है, इनको भी इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है रिस्क के हिसाब से। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अनट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा 3x का लेवरेज यूज़ करता है, 3x से भी ज़्यादा लेवरेज ये यूज़ नहीं करता। तो इनकी जो ये तीनों स्ट्रेटजी है, जैसे फर्स्ट स्ट्रेटजी है एंड्योरेंस, तो एंड्योरेंस के अंदर एंड्योरेंस 1x लेवरेज, एंड्योरेंस 2x लेवरेज, एंड्योरेंस 3x लेवरेज, इस हिसाब से ये तीन टाइप की हो गई रिस्क के हिसाब से। उसके बाद में आती है बार्स। बार्स जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर भी बार्स 1x, बार्स 2x और बार्स 3x, ये तीन टाइप की स्ट्रेटजी होगी। फिर आती है ओमेगा, तो ओमेगा को भी रिस्क के हिसाब से इन्होंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, ओमेगा 1x, ओमेगा 2x, ओमेगा 3x, तो ये लेवरेज के हिसाब से है। अब लेवरेज का अगर आपको नहीं पता तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, लेवरेज का मतलब है कि अगर आपके पास 1 रुपये है ना और आप चाहते हो कि यार 100 रुपये से मुझे ट्रेड करनी है, मेरे पास तो 1 रुपये लेकिन मैं 100 रुपये बना के ट्रेड करना चाहता हूँ, तो ये हो गया 100x का लेवरेज। तो ये क्रिप्टो के अंदर ना आपको 100x और इससे भी ज़्यादा 125x इस हिसाब का लेवरेज मिलता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिस पे आप ट्रेड करते हो, और फिर आपको लॉस भी उस हिसाब से होता है, प्रॉफिट भी उस हिसाब से होता है। तो ये जितने भी एक्सचेंज या ब्रोकर होते हैं वो ज़्यादा लेवरेज इसीलिए ऑफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र लालच में फंसे, क्योंकि जब बड़ा लेवरेज लोगे तो लॉस भी उस हिसाब का होगा, प्रॉफिट भी उस हिसाब का होगा। तो अनट्रेड एकदम सेफ चलता है, ये बहुत कम लेवरेज लेके चलता है, ठीक है। तो 1x, 2x और लास्ट है 3x। और कॉइन की अगर बात करूँ तो खाली बिटकॉइन के अंदर ही ट्रेड करता है, इथेरियम में भी इन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, और करेंगे तो खाली इथेरियम तक ही करेंगे, और बाकी ये सेफ जो कॉइन होते हैं उनके अंदर ही काम करेंगे, और मोस्टली ये बिटकॉइन के अंदर ही काम करेंगे जो कि मैंने अभी तक इनका पास्ट परफॉर्मेंस देखा है उस हिसाब से। सो जब भी आप अनट्रेड के साथ अपना जो बाइनेंस एक्सचेंज या फिर कोई भी दूसरा एक्सचेंज है उसको API के थ्रू कनेक्ट करोगे, तो ये जो ऑप्शन है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना चाहते हो, ये पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा अनट्रेड की एप्लीकेशन के अंदर जाके। आप अनट्रेड की एप्लीकेशन में जाओगे, रजिस्टर करोगे अपना अकाउंट, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, ईमेल वगैरह, फिर आपका जो बैलेंस एक्सचेंज है उसको API के थ्रू अनट्रेड के साथ कनेक्ट करोगे, फिर आपको अनट्रेड के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी पे आप काम करना चाहते हो ये आपको सेलेक्ट करनी है। तो अब आप एक न्यू यूज़र हो, आपको नहीं पता कि कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और आपको यूज़ करनी चाहिए, तो देखो ये जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट है ना इसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और आप अगर अनट्रेड स्टार्ट करना चाहते हो तो जिसके साथ भी स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज आप मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, मुझे कॉल करके आप पूछ लेना कि यार कौन सी स्ट्रेटजी मुझे चूज करनी चाहिए, तो मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जो ये स्ट्रेटजी वाली टॉपिक है, स्ट्रेटजी वाला टॉपिक है क्योंकि इनकी सारी स्ट्रेटजी है, उनकी सारी पास्ट परफॉर्मेंस इन्होंने बता रखी है, तो कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इसके ऊपर एक हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अनट्रेड की जितनी भी वीडियोज़ है उनकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि अनट्रेड के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वाइट टैगी प्लेटफॉर्म है जो लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा समझने के अंदर, बट हाँ जो समझाने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे से समझा सकते हो तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। तो इसके ऊपर जितनी भी वीडियोज है वो सारी की सारी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी एक अलग से प्लेलिस्ट में। तो चलिए एक बार टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो देखो इनकी ये जो तीन स्ट्रेटजी है ना, एक बार इसको शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, बार्स, एंड्योरेंस और ओमेगा, इनमें डिफरेंस क्या है एक दूसरे के साथ, हम एक बार इन स्ट्रेटजी को कंपेयर करके समझते हैं कि इन स्ट्रेटजी में एक दूसरे के साथ क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इन स्ट्रेटजी में एक दूसरे का। तो यहाँ पे आप जो स्ट्रेटजी देख रहे हो ना, ये है एंड्योरेंस 1x, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो साइड में आपको दिख रहा है विन रेट जो है इस स्ट्रेटजी की, वो है 38%, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम जो है वो ड्रॉडाउन 15% का जा सकता है। ड्रॉडाउन का मतलब है कि अगर आपका $100 का अकाउंट है
तो क्योंकि ये रियल ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज प्रॉफिट दिखेगा, कभी कभी लॉस भी दिखेगा आपको, ठीक है। और इनके जो ट्रेड होती है वो स्विंग ट्रेड्स होती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है ना, वो आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में 15% का दिख सकता है। मतलब $100 का अकाउंट है तो $15 आपको माइनस में दिख सकता है। और एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज $5 ये माइनस में आपको दिख सकता है। अगर आपका अकाउंट में लॉस बुकिंग होती है या अनट्रेड की वजह से लॉस होता है, तो उसको रिकवर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 174 दिन लग सकते हैं। और एवरेज 71 डेज का इन्होंने बोल रखा है कि 71 डेज के अंदर आपका लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। ये यहाँ पे जो टाइम है ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इन्होंने देखो पास्ट में अपनी सारी स्ट्रेटजी को टेस्ट करके देखा है। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 2020 जनवरी में इन्होंने ₹10,000 डाल के देखे, $10,000। उसके बाद में 4 साल के अंदर इनका ये रिटर्न रहा करीब करीब 4,574%, ठीक है। तो जो $10,000 था वो कितना बन गया, 4,67,429। ओके, इसके बाद एंड्योरेंस 2x के ऊपर हम चलते हैं तो इसके अंदर भी देखो सेम है, विन रेट कितनी है 38%। और एंड्योरेंस 3x के अंदर चलते हैं कितनी है 38%, ठीक है। अब चलते हैं बार्स वाली पे, बार्स में विन रेट कितना है 53%। मतलब कि अगर ये 100 ट्रेड लेते हैं उसमें से इनकी 53.39 ट्रेड है वो विन रहने वाली है, बाकी है वो मतलब लॉस में रहने वाली है। लॉस भी कितना है? मतलब स्टॉप लॉस हिट होने वाला है उनका, ठीक है। उसके बाद में बार्स 2x है, उसके अंदर भी सेम है यही 53 पॉइंट की विन रेट है। और बार्स 2x दिखाता हूँ आपको, अभी 3x हमने देखा, 2x के अंदर भी सेम है 53.39। ओके, तो अब एक बार हम ना पूरा एक बार डिटेल में बार्स की स्ट्रेटजी को समझते हैं, बार्स 1x जो है उसको। ओके, तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने $10,000 जो है वो 2020 जनवरी में इन्वेस्ट किए और इस स्ट्रेटजी के ऊपर इन्होंने काम किया। ये कंपाउंडिंग वाली स्ट्रेटजी है, मतलब टोटल 4 साल इसको टेस्ट किया, और क्वार्टर की बात करूँ तो 14 क्वार्टर इन्होंने इस स्ट्रेटजी को टेस्ट किया है। तो जो $10,000 था उसके ऊपर 4 साल में जो इनको रिटर्न निकला वो निकला $7,13,580 का। ओके, और परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 7,035% का ROI इनको इस स्ट्रेटजी के ऊपर निकला है, ठीक है। विन रेट की बात करूँ तो इस स्ट्रेटजी की जो विन रेट है वो 53.39% है। नंबर ऑफ ट्रेड्स इस स्ट्रेटजी के ऊपर 138 इन्होंने लिए है। एंड ड्रॉडाउन की अगर मैं बात करूं तो एवरेज ड्रॉडाउन 3.64% का दिख सकता है इस स्ट्रेटजी के अंदर। अगर लॉस लगता है तो 90 डेज लग सकते हैं उस लॉस को रिकवर करने में। उसके बाद में ये इनकी एवरेज विनिंग है 12%, और ये जो है इनकी एवरेज लूजिंग ट्रेड है 3.77%। बिगेस्ट विन जो इस स्ट्रेटजी के ऊपर इन्होंने निकाला है वो निकाला है 167%, और जो बिगेस्ट लॉस इस स्ट्रेटजी ने बुक किया है वो किया केवल 13.80%। एवरेज जो होल्डिंग टाइम है इस स्ट्रेटजी का वो है 20 डेज 8 आवर्स। एंड कम से कम एवरेज जो लूजिंग ट्रेड्स होती है उनका होल्डिंग टाइम है 6 डेज। ओके, तो ये पूरा डेटा इनके पास है। तो इन जितने भी है ना स्ट्रेटजी, इन सब के ऊपर एक डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके अंदर वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया तो बहुत बड़ी बन जाएगी वीडियो। एक बार आप इस कंपाउंडेड स्टैटिस्टिक्स को भी समझने की कोशिश करो, जो अभी मैंने आपको बार्स बताया ना, तो उसका जो पिछले 4 साल का क्या रिजल्ट है वो हम एक बार समझते हैं। तो देखो 2020 31 मार्च में इन्होंने $10,000 का इनिशियल बैलेंस इसके अंदर डाला था, और इनका जो फर्स्ट क्वार्टर था ना, ये जो एक रो आपको दिख रही है ना, ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। ओके, तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने 40.81% का रिजल्ट निकाला, तो ये जो 10,000 था वो बन गया $14,081। उसके बाद में जो $14,081 है इसके ऊपर इन्होंने अगले क्वार्टर में 13% का प्रॉफिट निकाला, तो ये कितना बन गया 15,988। उसके बाद में उससे अगले क्वार्टर में इन्होंने 17% का लॉस भी बुक किया। देख रहे हो, प्रॉफिट ही नहीं खाली लॉस भी होता है, और लॉस कितना हुआ खाली 17% का लॉस, और प्रॉफिट कितना था पहले क्वार्टर में 40%, दूसरे में 13%, तो कितना हो गया 53%, लॉस कितना था 17%, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर अगले क्वार्टर में इन्होंने निकाला 205% का प्रॉफिट, मतलब कि जो इनिशियल बैलेंस था वो 13,248 था, और कितना बन गया 205% निकालने के बाद $40,475। ओके, तो 205% का प्रॉफिट इन्होंने निकाला। फिर अगले क्वार्टर में 10% का प्रॉफिट, फिर 90%, तो इस हिसाब से ये पूरा करीब 16-17 क्वार्टर का रिजल्ट है, ठीक है, और सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये PDF के अंदर मेंशन है, मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं PDF डाल दूंगा,
ओके, तो एक बार हम ये जान लेते हैं कि यार अनट्रेड को चलाने वाले लोग हैं कौन, इनके पीछे जो टीम है उनके बारे में भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो प्रोफेशनल्स हैं या फिर ऐसे ही कोई भी MLM का बंदा है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है और आ गया कंपनी चालू करने। तो देखो कंपनी का जो को फाउंडर है उनका नाम है आयुष खेतान, मतलब कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एंड इसके बाद में करण शर्मा जो कि कंपनी के को फाउंडर है एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इसके बाद में नवीन अग्रवाल जो कि इनका टेक्निकल जितना भी डिपार्टमेंट है उनके हेड हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट की जितनी चीज़ें हैं वो नवीन अग्रवाल संभालते हैं, एंड आफ्टर दैट हर्ष भदौरिया जो इनकी ट्रेडिंग डेस्क है, ट्रेडिंग के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है क्योंकि ये मॉनिटर भी करते हैं साथ में इनके एल्गोरिदम्स को कि वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनमें कुछ एरर आ रहे हैं कुछ भी चीज़ है तो वो ट्रेडिंग का सारा डिपार्टमेंट है वो संभालते हैं हर्ष भदौरिया, एंड उसके बाद में है राहुल भाटिया, ये एक्स बाइनेंस एम्प्लॉई है और ये अनट्रेड की जितनी भी मार्केटिंग है ये राहुल भाटिया संभालते हैं, एंड आफ्टर दैट अभिषेक तिवारी एंड ही इज माइक्रोसॉफ्ट एक्स एम्प्लॉई। ओके, अब बहुत लोग इतनी चीज़ समझने के बाद में ये सोच रहे होंगे कि यार रॉयल क्यू नाम से भी एक कंपनी आई थी, उसके अंदर भी जो फंड है वो हमारा बाइनेंस के ऊपर ही रहता था फिर भी हमें लॉस लगा। तो देखो रॉयल क्यू के अंदर क्या था कि वो जो बोर्ड था उनका वो एक बेवकूफ बोर्ड था, वो लाइक वो मार्टिंगल स्ट्रेटजी पे काम करता था। मार्टिंगल स्ट्रेटजी का मतलब है कि लेट्स सपोज बिटकॉइन है, बिटकॉइन $70,000 पे चल रहा है, तो जैसे ही वो 65 पे आया उसने और बाई कर लिया, 60 पे आया उसने और बाई कर लिया, 55 पे आया और बाई कर लिया, तो जैसे प्राइस नीचे आएगी वो बाई करता जाता था, तो वो एक बेवकूफ बोर्ड था। उस बोर्ड की वजह से उसकी जो स्ट्रेटजी थी मार्टिंगल वो ही घटिया थी जिस वजह से लोगों को लॉस लगा। बाकी यार रॉयल क्यू का कौन ओनर था कौन मालिक था किसी को कोई आइडिया नहीं है, उसका कोई ओनर सामने ही नहीं था, बट एटलीस्ट अनट्रेड की स्ट्रेटजी है उसके ऊपर इन्होंने पहले काम किया है, उसका इन्होंने डेटा हमें दिखाया है पहले, ठीक है। इनकी जो पूरी टीम है वो प्रोफेशनल्स की टीम है, इनका जो काम करने का तरीका है वो पूरा प्रोफेशनल है, ठीक है। इनकी वेबसाइट PDF एवरीथिंग, जूम मीटिंग, इनकी छोटी से छोटी चीज आप जाके चेक करोगे तो वो बिल्कुल टॉप नॉच है, प्रोफेशनल है। MLM के अंदर आपने देखा होगा कोई भी सड़क छा बंदा आके कंपनी बना लेता है और वो अच्छा खासा स्कैम करके चला जाता है, और जो अच्छे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, जो रियल टेक बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और जो फालतू प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर लोग अपना पैसा लगाते हैं, डुबाते हैं, बर्बाद कराते हैं, ठीक है। अनट्रेड का जो मार्केटिंग प्लान है वो हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड, उसके अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो आप एक बार शॉर्ट के अंदर समझ लो कि अनट्रेड को, अगर आप अनट्रेड का हिस्सा बनना चाहते हो, यहाँ पे काम करना चाहते हो, या फिर आप अपनी कैपिटल के ऊपर, अपने फंड के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो या फिर इनसे करवाना चाहते हो, तो उसके लिए ये $150 का ईयरली सब्सक्रिप्शन आपसे चार्ज करेंगे, आपसे $150 लेंगे, और उसके बाद में आपका जो कैपिटल रहेगा बाइनेंस में या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर उसके ऊपर ट्रेड होती रहेगी और आपको प्रॉफिट होता रहेगा। तो उसके अलावा इन्होंने 6 टाइप की इनकम दे रखी है, डायरेक्ट इनकम, जनरेशन इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम, रैंक एंड रिवॉर्ड इनकम, रॉयल्टी इनकम, कंपाउंडेड प्रॉफिट इनकम। ओके, तो ये कुछ 6 टाइप की इनकम इन्होंने दे रखी है इस प्लान के अंदर, बाकी इसकी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं अनट्रेड के, उनको हम एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो देखो अनट्रेड जो है उसके अंदर आपको इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटी देखने को मिलती है, आपका फंड यहाँ पे बाइनेंस के अंदर रहेगा तो आप अपनी मर्जी से जब मर्जी ट्रेड को क्लोज करो, जब मर्जी ट्रेड में प्रॉफिट बुक करो। ओके, अनट्रेड जो आपको ट्रेड ओपन करेगा वो तो करेगा ही करेगा, जो वो जब क्लोज करेगा करेगा ही करेगा, बट आप भी उस ट्रेड को क्लोज कर सकते हो क्योंकि आपका फंड बाइनेंस में है, तो बाइनेंस में भी वो आपकी जो ट्रेड रनिंग है वो दिखेगी और अनट्रेड के एप्लीकेशन में भी दिखेगी। अनट्रेड के साथ आप अपनी जर्नी को, $150 इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन है तो ये फी पे करके आप अनट्रेड के साथ जुड़ सकते हो, अपने पैसे को काम पे लगवा सकते हो। ओके, एंड अनट्रेड अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ उस लिंक पे क्लिक करना और स्क्रीन के ऊपर एक प्रोमो कोड आ रहा है वो प्रोमो कोड आप डाल देना। इसके अलावा अनट्रेड से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है तो मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल करना और हम कॉल पर डिस्कस कर लेंगे जो भी चीज़ें आपको अनट्रेड से रिलेटेड समझ में नहीं है उनको। अनट्रेड जो है वो केवल और केवल बिटकॉइन में ट्रेड करता है, और इसके अलावा अनट्रेड की जो ट्रेडिंग टीम है वो अनट्रेड के द्वारा जो ट्रेड ली जा रही है उनको 24/7 मॉनिटर भी करती है, क्योंकि एल्गोरिदम्स को इन्होंने जिस हिसाब से बनाया है अगर वो एल्गोरिदम्स कभी उस हिसाब से काम नहीं किए
तो इनकी जो ट्रेडिंग टीम है उसके अंदर वो मैनुअली इंटरफेरेंस करेगी और मैनुअल वो डिसीजन लेगी, जिससे कि आपका कैपिटल जो है वो सेफ रह सके। क्योंकि इनका फायदा जब ही है जब आपके कैपिटल पे आपको प्रॉफिट हो, अगर आपका लॉस होगा तो इनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका पैसा तो आप ही के पास है ना, तो आपका लॉस होगा तो इनको क्या फायदा होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आपका जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उतना ही ये सोचेंगे। तो उसके लिए ये 24/7 आवर्स स्क्रीन पे अपने एल्गोरिदम्स की मॉनिटरिंग करते हैं। तो देखो यार, अगर आप एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बिजनेस देखना चाह रहे हो ना, तो अनट्रेड आपके लिए है, आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप एक लायबिलिटी फ्री बिजनेस चाहते हो यार, जिसके अंदर आपको कोई लायबिलिटी नहीं है कि यार ये क्या चीज़ बता दी, उसमें मैंने पैसे लगाए थे आपके कहने के ऊपर, मेरा लॉस लग गया, आप चलो मुझे मेरे पैसे दो, तो ऐसी कोई लायबिलिटी आपके ऊपर इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आने वाली। क्योंकि लोगों का पैसा लोगों के पास ही है, तो किस हिसाब से ही वो लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी, या फिर उनका लॉस होगा ही नहीं, किस हिसाब से होगा। और अगर आप एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करना चाहते हो, एक प्रोफेशनल कंपनी में काम करना चाहते हो, जो कि आपसे या फिर इन्वेस्टर से पैसे मांगती नहीं है, वो कहती है कि यार इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टर के पास ही रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम बस आपसे एपी कनेक्ट करवा रहे हैं और हम उस पर ट्रेड करेंगे, और ट्रेड भी किस में करेंगे, खाली बिटकॉइन में करेंगे। ऐसा नहीं है कि यार कोई मीम टोकन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं और उसके बाद में उस टोकन की हमने पहले से बाइंग कर रखी है और इन्वेस्टर की बाइंग करवा दी बोट के थ्रू या फिर इनके जो एल्गोरिदम है उनके थ्रू, और जब उस मीम टोकन की प्राइस ऊपर बढ़ गई तो हमने ऊपर से सेल कर दिया और सबका पैसा हमारे जेब में आ गया। तो ऐसा भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन या फिर इथेरियम के अंदर ही ट्रेड करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। और जिस भी दिन इन्होंने बिटकॉइन या इथेरियम के अलावा किसी अदर ओल्ड कॉइन के अंदर ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी, तो उस दिन से मैं आपको वार्निंग भी दे दूंगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट को मतलब पूरा मॉनिटर करूंगा अच्छे से कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको सारी अपडेट अनट्रेड से रिलेटेड मिलने वाली है टाइम टू टाइम। क्योंकि मैं किसी भी नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में एज ए नेटवर्कर करीब 2-2.5 साल के बाद में काम कर रहा हूँ। 2-2.5 साल तक मैंने कोई किसी कंपनी में काम नहीं किया, तो अगर अभी मैं कर रहा हूँ मेरे YouTube चैनल के ऊपर वीडियो बना के फ्रंट में आके, तो कुछ ना कुछ प्लान में मुझे दम लगा है तभी मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। सो अगर आप बार बार कंपनी चेंज कर करके थक चुके हो, तो अब ये टाइम है एक सस्टेनेबल कंपनी पकड़ने का, अनट्रेड पकड़ने का, और यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस एक अच्छे लेवल पे काम करने का। सो अगर आप फाइनेंशियली रिटायर होना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के साथ, तो अनट्रेड आपके लिए है। यू शुड नॉट मिस दिस प्रोजेक्ट। एंड कभी कभी आते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट, इनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पूरी एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर ही आपको अनट्रेड की सारी वीडियोस मिलेगी। क्योंकि अनट्रेड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं डालूंगा कि अनट्रेड में अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद में आपके बाइनेंस को इसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, और कौन सी स्ट्रैटेजी को आपको यूज करना चाहिए जिसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और इनकी जो जितनी भी ट्रेडिंग अपडेट है वो किस हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, उसके पीछे इनका क्या लॉजिक था, और उस ट्रेड के अंदर इनका क्या प्रॉफिट रहा, कितनी लंबी इन्होंने होल्ड की, आगे इनकी क्या प्लानिंग है, और सारी की सारी चीज़ें मैं अपडेट वीडियोस के थ्रू आपको देता रहूँगा। और ये रोज़ रात को मीटिंग लेते हैं, जूम मीटिंग्स, उसके अंदर इनकी जो भी अपडेट होती है डेली की, वो सारी की सारी ये शेयर करते हैं पब्लिक के साथ। तो जूम मीटिंग्स की जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप की लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप सिंपल टैप करोगे और सीधा मेरे व्हाट्सअप के अंदर आ जाओगे, मेरा नंबर भी सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आप मुझे हाई लिखना और अनट्रेड लिखना, मैं आपको रोज़ इनकी जब भी जूम मीटिंग होगी उसकी लिंक डायरेक्ट शेयर करता रहूँगा, और जो भी आपको चीज़ें रहेगी वो आप मुझे वहाँ पूछ लेना। ओके, तो इस वीडियो के अंदर यही, बाकी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी लिंक्स को चेक कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।